मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अलमास कॉलोनी नाके पर स्थित होटल सिल्वर फॉक्स में एक बैटरी ब्लास्ट हो गई है। हादसा आज सुबह 8 से 9 बजे के आसपास में हुआ है। मौके पर मनपा और दमकल विभाग की टीम भी पहुंच गई। होटल के महमूद शहर ने बताया है कि इन्वर्टर और बैटरी ये दोनों टच थी और इसी दौरान होटल के पहले मंजिले पर आज सुबह बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से दीवार में एक बड़ा सा होल हो गया था, जिसके बाद दीवार को सुरक्षा के लिहाज से गिरा दिया गया है। हालांकि होटल के बगल में ही एक पान की छोटी सी दुकान भी थी। दीवार गिराने के टाइम पर पान की दुकान को भी बंद करा दिया गया था। इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। मनपा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी जो दीवार गिराई गई है उस दीवार का मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह का वक्त था, होटल में कोई था नहीं, इसलिए कोई ऐसी जानी हानि का नुकसान नहीं है, सिर्फ दीवार में जो है सुराख हो गया था और एहतियात के तौर पर इस दीवार को भी जो है गिरा दिया गया। क्या नाम है आपका? नजमुल शहर। मेरे होटल का नाम है सिल्वर फॉक रेस्टोरेंट। यहाँ पे सुबह सुबह बैटरी ब्लास्ट हुई है और उसकी वजह से एक दीवार में होल हो गया था, तो हमने सेफ्टी के लिए दीवार को गिरा के फिर से नए तरीके से उसको बना रहे हैं। कितने बजे हुआ था ये ब्लास्ट? ये सुबह करीब 8:30-9 बजे हुआ है। ब्लास्ट कहाँ पे हुआ था? ये ऊपर के साइड में? हाँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। दीवार ये मनपा ने तोड़ा है, आप लोगों ने खुद गिराया है? नहीं, हमने गिराया है। अच्छा, क्यों गिराया ये? इसलिए कि उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि होल हुआ है, दीवार कमज़ोर हो गई है, तो साइड में है, कहीं किसी को जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए हमने दीवार को गिरा दिया है, फिर वापस उसको सही करेंगे। अच्छा, खबर ये आ रही थी कि मतलब कोई घायल हुआ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई घायल नहीं हुआ है।